दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच क्या डिफरेंस है यदि आप इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दोनों टॉपिक पे बने हुए जो वीडियो हैं जो कि आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे तो प्लीज आप पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जुड़े हुए जो वीडियो हैं उन वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे दे रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन दो लिंक पर जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिए और तभी आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा तो यदि हम बात करें टेम की इट इज यूज टू ऑब्जर्व फाइन डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर तो टेम के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं जबकि अगर हम बात करें सेम की तो इसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के केवल सरफेस स्ट्रक्चर को ही देख पाते हैं यदि हम बात करें अगले डिफरेंस की तो टेम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक कॉयल और हाई वोल्टेज यूज़ होता है लेकिन अगर हम बात करें सेम की तो सेम में इलेक्ट्रो मैगनेटिक कॉइल तो होते हैं बट वहाँ पर लो वोल्टेज यूज़ होता है यदि बात करें अगले डिफरेंस की तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस्पेसमैन को क्रॉस करता है यानी कि स्पेसमैन के थ्रू पास हो जाता है लेकिन अगर हम बात करें सेम की तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो केवल स्पेसमैन की सरफेस से टकराते हैं और स्पेसमैन की सरफेस से टकराकर वापस रिटर्न हो जाते हैं बात करें अगर अगले डिफरेंस की तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसमैन का इमेज बनता है वो फ्लैट बनता है यानी कि टू बनता है वहीं हम बात करें सेम की तो सेम में जो इमेज बनता है स्पेसमैन का वो थ्री होता है और बहुत शार्प होता है तो जैसा कि इमेज में आप राइट right साइड देख सकते हैं आपको आर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा क्योंकि ये टेम के थ्रू लिया गया है और जैसा कि मैंने बताया था कि टेम के थ्रू हम किसी भी स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं वहीं आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि आर का सेम के थ्रू लिया हुआ स्ट्रक्चर है और आप इसमें देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर आपको थ्री रूप में दिख रहे होंगे लेकिन टेम के थ्रू लिया गया स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है टू तो जब भी आप किसी भी स्पेसमैन की इमेज को देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस दोनों के बीच देखने को मिलेगा तो ये डिफरेंस है सेम और टेम के बीच आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेम और टेम के बीच जो वर्किंग प्रिंसिपल है उनमें क्या डिफरेंस है तो यदि अगर हम टेम और सेम के वर्किंग प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे और कुछ आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहां पर इलेक्ट्रॉन गन है तो यहाँ पर दोनों में आपको इलेक्ट्रॉन गन देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन गन होते हैं वो कैथोड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं इसके बाद दोनों में आप देख सकते हैं एनोड है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को एसेलरेट करता है तो दोनों के केस में ये आपको एक ही जैसा दिखेगा इसके बाद बात करते हैं कंडेंसर की तो दोनों केस में आपको कंडेंसर लेंस देखने को मिलेंगे दोनों केस में जो कंडेंसर लेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसमेंट पे फोकस करते हैं लेकिन अगर हम बात करें टेम की तो टेम में आपको जो सैंपल है वो कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच देखने को मिलेगा सो द सैंपल आर प्लेस्ड बिटवीन द कंडेंसर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस लेकिन अगर हम सैम के केस में देखें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वह आपको ऑब्जेक्ट के पहले यानी कि स्पेसमेंट के पहले देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा टेम में जो सैंपल है यानी कि जो स्पेसमैन है वो कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में है लेकिन सेम के केस में ऐसा नहीं है यहाँ पर जो सैंपल है वह कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद है वही बात करें अगर हम अगले डिफरेंस की तो जो टेम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वह सैंपल के जो इमेज है उसको ट्रांसमिट करता है इस रीजन से इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकिन अगर हम बात करें सेम की तो इसके केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वह इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं उसको सैंपल के ऊपर फोकस करता है और जो सैंपल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैटरिंग करते हैं जिसका जो स्कैटरिंग के थ्रू इमेज है वो कंप्यूटर पे बनता है तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग हो रही है वो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट की जाती है इस वजह से सेम को हम बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो टी में ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का और एस सी एम में इलेक्ट्रॉन बीम का स्कैटरिंग होता है और ये जो स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें इमेज बनाकर दिखाते हैं एक और चीज़ टेम और सेम में कॉमन है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंस तो दोनों के केस में आपको इलेक्ट्रो मैगनेटिक लेंस देखने को मिलेंगे तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि टेम और सेम के बीच पाए जाते हैं आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक ले जय हिंद जय भारत